नमस्कार, एनर्जी वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। पूरे एनर्जी कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो मार्केट में काफ़ी अच्छी वॉलिटिटी बनते हुए दिखाई दी है। हमने देखा कच्चे तेल में ओवरऑल ट्रेंड वीक है, ब्रेंट टू 90 के नीचे भी जाता हुआ दिखाई दिया। डोमेस्टिक मार्केट में लगभग हमने 6500-6550 का लेवल देखने के बाद एक अच्छी खासी रिकवरी रही, बट 7000 का लेवल नहीं तोड़ पा रहा है। नो डाउट चाइना मार्केट कोविड कंसर्न से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो उम्मीद जताता है कि आने वाले दिनों में डिमांड में थोड़ी इम्प्रूवमेंट होगी। बट स्लोडाउन और रिसेशन के कंसर्न्स को देखते हुए कच्चा तेल 7000 का लेवल M6 में नहीं तोड़ पा रहा है। वहीं इंटरनेशनल में ब्रेंट भी 93-94 डॉलर का लेवल नहीं तोड़ पा रहा है। पिछले एक हफ्ते के अंदर प्राइजेस साइडवेज टू नेगेटिव रहा है, जो लगभग 1% के आसपास की गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। वहीं दूसरी ओर हमने देखा कि ओपेक के जो आउटपुट्स है वो भी सेड लेवल तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, आउटपुट में कमी है, जिसकी वजह से प्राइस को थोड़े बहुत सपोर्ट मिले हैं। बट एज ऑफ नाउ डिमांड कंसर्न इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इन्वेंट्री से भी हमने देखा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो इंटरनेशनल की अगर हम बात करें तो ब्रेंट 87 डॉलर से 93 का एक ब्रॉडर रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। वहीं डोमेस्टिक मार्केट की अगर हम बात करें तो 6500 का इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है, जबकि 7000 का रेजिस्टेंट है। प्राइजेस इसी दायरे में रहेंगे, ओवरऑल 7000 के करीब आने पे बिकवाली की जा सकती है। वॉलिटिटी अच्छी होने की वजह से ऑप्शन के जरिए भी आप ट्रेड कर सकते हैं, जहाँ पे 7000 के पुट लेकर ट्रेड कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो रिसेंटली हमने देखा एक बड़ी गिरावट के बाद 595 के सपोर्ट से प्राइजेस ने उठने की पूरी कोशिश की। 630 के लेवल जाने के बाद फिर से मार्केट में दबाव बनना चालू हो चुका है। पिछले हफ्ते हमने देखा कि रेलवेज के कुछ स्ट्राइक की न्यूज़ थी, जिसके बाद प्राइजेस 725 तक चले गए थे, बट जैसी डील फाइनल हुई इमीडिएटली हमने 725 से लगभग 595 तक के लो लगते हुए दिखे हैं। टेक्निकल बाउंस आना था, वो भी आ चुका है। कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर अगर हम देखें तो डिमांड के मुकाबले सप्लाई का जो कंसर्न पहले बन रहा था वो धीरे धीरे कूल ऑफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले महीने की अगर इन्वेंट्री डेटा अगर हम देखते हैं, जर्मनी बता रहा है कि 90-95% स्टॉक विंटर के लिए बन चुका है, जिसके बाद प्राइजेस में दबाव बनना चालू हो चुका है। नो डाउट अभी भी रशिया और जर्मनी के बीच में स्टैंड ऑफ स्टार्ट है, जिसके चलते प्राइजेस में कोई बड़ा फ्री फॉल नहीं है। बट डेली चार्ट पे अगर आप देखते हैं तो 590 पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर 590 का लेवल ब्रिच होता है तो मे बी 525-530 तक के भी लेवल हम आने वाले दिनों में, हफ्तों में हम नेचुरल गैस में देख पाएंगे। बट वहीं दूसरी ओर इस बार स्टिफ विंटर होने की वजह से प्राइजेस को सपोर्ट भी मिल रहा है। तो एज ऑफ नाउ अगले हफ्ते की अगर हम बात करें तो प्राइजेस जब तक 656 के ऊपर नहीं निकलता है, ट्रेंड साइड वे टू नेगेटिव रहेगा। सेल ऑन जंप की रणनीति अपना के चलिए, बट फ्री फॉल 590 के ब्रिज पे ही होगा, जो हेड एंड शोल्डर का नेकलाइन है। 590 के नीचे प्राइजेस के अंदर बड़ा फ्री फॉल आता हुआ दिखाई देगा। समअप अगर हम करें तो पूरे एनर्जी पैक के अंदर डिमांड कंसर्न्स बना हुआ है राइट नाउ, जिसकी वजह से सेल ऑन रैली की रणनीति अपना के चलिए। कच्चे तेल में 7000 के करीब बेच के चलिए 6500-6550 के टारगेट के लिए। वहीं नेचुरल गैस में हो सकता है 630-640 तक का बाउंस मिले, उस बाउंस में बेच के चलिए। जब तक 656 के ऊपर प्राइजेस होल्ड नहीं करते हैं, 595 से लेकर 590 तक के टारगेट देख सकते हैं। बट फ्री फॉल के लिए 590 तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे हम एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनते हुए देख पा रहे हैं डेली चार्ट पे। तो ओवरऑल एनर्जी में सेल ऑन रैली की रणनीति अपना के ट्रेड करना चाहिए। धन्यवाद।